नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज, मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिसीज के बारे में, यानी कि जो अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। 80-70% लोग बैक पेन से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। बैक पेन के बहुत सारे रीजंस होते हैं और उनमें से आज हम लंबर कैनाल स्टीनोसिस के बारे में बात करेंगे और इसमें जानेंगे कि कैनाल स्टीनोसिस होता क्या है और इसके किस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और समझें कि लंबर कैनाल स्टीनोसिस क्या होता है। चलिए अब बात करते हैं स्टीनोसिस के बारे में। आप सब जानते हैं हमारी स्पाइन होती है जिसमें एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी कि कैनाल होती है जिसमें से हमारी स्पाइनल कॉर्ड पूरा हमारे सर्वाइकल रीजन से लंबर यानी कि नीचे तक हमारी बेस तक जाती है और उसके बाद उसमें से जो बहुत सारी नर्व निकलती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कुछ नर्व्स हमारी सर्वाइकल की जो होती है वो हाथों में आती हैं और लंबर और जो कोक्स रीजन से हमारी जाती हुई पैरों में जाती हैं। तो अगर इस कैनाल में कोई दिक्कत आ जाए या फिर उसकी जो कैनाल है नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाए तो उसे हम लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। यानी कि जो एरिया है, जो उसको पूरा स्पेस मिला गया है आपकी कॉर्ड को ट्रांसफर होने के लिए, जब वो नैरो हो जाता है या किसी वजह से उसके ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है या फिर कहीं पर कंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाए तो हमको बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा और हमारे पैरों में झुंझुनी या फिर चीटियां काटने जैसा महसूस होगा। तो इसको कैनाल स्टेनोसिस के सिम्टम बोलते हैं। लेकिन अगर आपकी जो कैनाल स्टेनोसिस है आपकी सर्वाइकल में हो जाए तो उसको मेडिकल टर्म में सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस बोला जाता है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी सर्वाइकल रीजन में हो जाएगी तो उसके सिम्टम आपको अपने हाथों में देखने को मिलेंगे, यानी कि आपके हाथों में सुन्नपन जैसा या फिर आप किसी भी चीज को पकड़ने में डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथों में धीरे धीरे कमजोरी आना स्टार्ट हो गई है। एक स्ट्रेंथ जो होती है वो स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती जा रही है। आप बहुत देर तक टाइपिंग नहीं कर पा रहे हैं या फिर राइटिंग का काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर जैसे ही आप एक करवट से सोते हैं तो आपको सुन्नपन या फिर अपना हाथ सोया सोया जैसा महसूस होता है। तो इस तरह के सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ ही आपको हेडेक और आपको नेक पेन और आपको अपनी नेक बहुत ज्यादा स्टिफ महसूस होगी। अगर कैनाल स्टेनोसिस आपके लंबर रीजन में हो जाए तो उसे मेडिकल टर्म में लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं और उसके सिम्टम के बारे में बात करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जानें कि अगर आपके लंबर रीजन में स्टेनोसिस हुआ है तो आपको किस तरह के सिम्टम देखने को मिलेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो का अलर्ट आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब बात करते हैं लंबर कैनाल स्टेनोसिस के सिम्टम के बारे में। इसमें एक टिपिकल सिम्टम आपको देखने को यह मिलेगा कि पेशेंट जब उठता है और वॉक करता है तो उसको बहुत ज्यादा सीवियर पेन आना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन जैसे ही वो लेटता है या थोड़ी देर रेस्ट करता है तो उसका पेन का लेवल कम हो जाता है, लेकिन जैसे फिर से वो एक्टिविटी स्टार्ट करेगा तो उसी का पेन उसको फिर से परेशान करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ ही पेशेंट में यह सिम्टम भी मिलते हैं कि उनके एक पैर में नहीं दोनों पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है, उनकी बैक से लेकर उनके पैरों में पूरा दर्द जाता है। यानी कि इस तरह के पेन को हम रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। जब एक पेन आपके ट्रिगर पॉइंट से स्टार्ट हुआ वो रेडिएट करके आपके पूरे पैरों में जाता है तो उसको रेडिएटिंग पेन बोला जाता है। इससे पेशेंट को बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस में क्या होता है, आपके हिप्स में, आपकी थाइज में और काफ में बहुत ज्यादा पेन के साथ साथ आपको पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है। जैसे ही पेशेंट थोड़े टाइम के लिए खड़ा होता है उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पैर कांप रहे हो, आपको कंपन जैसा महसूस होगा और आपको पैरों में बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगी और इसके साथ साथ ही आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके पैरों में चीटियां काट रही हो। यह किस वजह से होता है, क्योंकि आपकी जो नर्व्स होती हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती जा रही हैं, क्योंकि स्टेनोसिस की वजह से जो ब्लड की सप्लाई होती है कैनाल के चारों ओर उसके ऊपर भी असर आना स्टार्ट हो जाता है और जब ब्लड सप्लाई के ऊपर असर आएगा तो उसकी वजह से आपके पैरों में दर्द होगा, आपको सुन्नपन भी महसूस होगा और आपको कमजोरी जैसा भी पैरों में लगना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं वो कॉजेज क्या है जिनकी वजह से आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं। फर्स्ट कॉज है स्लिप डिस्क। अगर आपको स्लिप डिस्क हो जाए या फिर डिस्क बल्ज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो कैनाल होती है वो नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाती है और जो आपकी कॉर्ड होती है उसके ऊपर प्रेशर जाना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी डिस्क क्या है वो थोड़ा सा बाहर निकल चुकी है जिसकी वजह से वो कैनाल के ऊपर धीरे धीरे आपकी कॉर्ड के ऊपर प्रेशर डाल रही है और प्रेशर डालने की वजह से प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाती है तो फिर आपको पैरों में दर्द आना शुरू हो जाता है।
सेकंड इसका कॉज है कि अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो जाए, यानी कि अगर आपकी स्पाइन में टीबी हो जाए या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाए, उसकी वजह से भी आपको लंबर कैनाल स्टोनिसिस हो सकता है। थर्ड इसका रीजन है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारे बोन्स में आर्थराइटिस चेंजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि हमारी बोन्स हैं वो वीक होना स्टार्ट हो जाती है। हल्के से प्रेशर से या कोई भी इंजरी लग जाए या फिर आप सडन फॉल हो जाए, उसकी वजह से अगर आपकी स्पाइन में कोई ब्रेक हुआ है यानी कि कोई फ्रैक्चर आ गया है, तो उसकी वजह से भी आपको लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है। इसके साथ साथ ही और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आपको हो जाए तो उसकी वजह से भी आपको स्टेनोसिस जैसी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके साथ ही अगर आपको एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी डिसीज हो जाए, यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें आपकी बैम्बू स्पाइन हो जाती है, यानी कि आपकी जो स्पाइन होती है उसका कर्वेचर खत्म होकर वो स्ट्रेट हो जाती है, और स्ट्रेट होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है अपनी बैक में, और वो स्टिफनेस बढ़ते बढ़ते धीरे क्या होता है, फिर आपकी जो कैनाल है उसकी नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी लंबर कैनाल स्टेनोसिस जैसी डिसीज आपको आना स्टार्ट हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको बताया गया है कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है, उसके क्या सिम्टम होते हैं और उसके क्या कॉजेज होते हैं। इसकी एक्सरसाइज के लिए एक अलग से वीडियो डाला गया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और लंबर कैनाल स्टेनोसिस के लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं घर बैठे ही, तो उसमें जो एक्सरसाइज बताई गई है उन्हें आप फॉलो करें। इससे क्या होगा, आप लंबर कैनाल स्टेनोसिस को ठीक कर सकते हैं, यानी कि जो आपको पेन आना स्टार्ट हो गया है उसके पेन के लेवल को आप कम कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि लोग समझ पाए कि उनको किस तरह की परेशानी होना स्टार्ट हो रही है और इसके लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।